पौड़ी में आबकारी विभाग को 13 शराब की दुकानों के लिए भी आवेदन मिल गए हैं, जिन्हें समिति ने जिलाधिकारी के समक्ष खोला और अब अवशेष दुकानों को आवंटित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आबकारी विभाग ने एक प्रस्ताव देहरादून आबकारी आयुक्त को भेजा है। वहीं 31 दुकानों का आवंटन बीते वर्ष लाटवी प्रतिक्रिया के जरिए किया जा चुका है। विभाग द्वारा राजस्व लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। कि जो अवशेष हमारी दुकानें थी लीगल की 13 रह गई थी, 27 दुकानें हमारे नवीनगढ़ में आई थी और 4 हमारी लॉटरी में आ गई थी। उसके बाद हमारी 13 दुकानें बची हुई थी, उन दुकानों में आज अधिकतम ऑफर के आधार पर आवेदन मांगे गए थे। तो कुल 13 दुकानों में हमारे 18 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय के समक्ष समिति द्वारा इन आवेदनों को खोला गया है और इसका प्रस्ताव तैयार के विवरण तैयार करके आबकारी आयुक्त उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित किया जाएगा।